वेलकम डियर फ्रेंड, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, चाहे वो इंजीनियरिंग विद्यार्थी हो या बीएससी, एमएससी, आईआईटी एग्जाम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ बेस्ट थ्योरी इस चैनल पे बेहतरीन थ्योरी के साथ अवेलेबल रहेंगे। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस का कुछ पार्ट। इसके पहले लेक्चर में भी मैंने बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा टर्म का मैंने डिस्कस किया है मैट्रिक्स के बारे में। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो विद्यार्थी जरूर प्लेलिस्ट में जाएंगे और चेक करेंगे, पूरी वीडियो बेहतरीन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का अपलोड कर दिया गया है। और एक चीज और है कि सभी विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी से पूछे हुए क्वेश्चन या फिर डिस्कस किए हुए क्वेश्चन जो है मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं मैट्रिसेस का कुछ पार्ट जो सामने दिख रहा है। चलिए, सिमिलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमिलर मैट्रिक्स इफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। यानी जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा वो मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देखते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या आता है। तो वन के सामने रखते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस 48, फिर दो के आगे, फिर इसको इससे 36 माइनस 42, और थ्री के सामने रखते हैं तो इससे इसे आएगा, यानी 32 माइनस 35, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद जरा देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई मैंने किया है, मैं ये सबट्रैक्ट किया है तो माइनस 3, और ये आ जाएगा माइनस 6, राइट। फिर देखिएगा इसको डालेंगे तो माइनस 3, अब इसके बाद ये माइनस 3 प्लस 12 माइनस 9 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, 0। यानी ये सिमिलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जरा नॉन सिमिलर के बारे में बताते हैं, क्या है नॉन सिमिलर। नेक्स्ट, नॉन सिमिलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिमिलर मैट्रिक्स इफ ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो वो नॉन सिमिलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिएगा, अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट आएगा 4 माइनस 6 इक्वल टू मेरा माइनस 2, ये 0 के बराबर नहीं है, वो नॉन सिमिलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरह से सिमिलर और नॉन सिमिलर, सिमिलर जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा सिमिलर, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा नॉन सिमिलर, राइट। चलिए नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बराबर ए आई जे एम इन टू एन वी आर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सी आई जे वी को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए, देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को फैक्टर ऑफ ए आई जे, इट इज डिनोटेड बाई ए आई ए डी जे एडजॉइंट ए। यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स का शॉर्ट में इंडिकेट ए डी जे से करते हैं। अब देखिए कैसे हम निकालते हैं एडजॉइंट इसके बारे में। तो सबसे पहले किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एडजॉइंट निकालना होगा, तो उस मैट्रिक्स को पहले को फैक्टर निकालना होगा। को फैक्टर कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, द को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, द को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर निकालने का तरीका क्या है जरा देखिएगा, को फैक्टर का शॉर्ट तरीका पहले, लेकिन साइन प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी का यूज करते हुए को फैक्टर का टर्म हमको सेट कर लेना है, ताकि हम बेहतरीन तरीका से क्लियर हो सके। देखिए ऐसे ढकेंगे वन का सामने, तो वन का को फैक्टर निकालेंगे तो थ्री माइनस जीरो, ओनली थ्री आया, और प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है, थ्री आ गया। फिर मान लिया माइनस वन का को फैक्टर निकालते हैं, सामने रो कॉलम ढक लेंगे इस तरह से, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू, और इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो माइनस टेन, और माइनस माइनस क्या आ गया प्लस टेन, यानी आएगा 12, इसको लिख सकते हैं माइनस 12, और 2 के को फैक्टर निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे यानी 6, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए ओनली 6, राइट। फिर देखिए अब 2 का, जिस एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे उसका रो और कॉलम डिलीट कर देना है, जैसे 2 का हम निकाल रहे हैं तो 2 को रो और कॉलम डिलीट करेंगे इस तरह से, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया, जैसे 2 को निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट तो आएगा माइनस 1, यहाँ पे माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस। फिर देखिए 3 के सामने निकालते हैं, 3 के सामने रो और कॉलम,
तो वन आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस वन का प्लस, यानी आएगा फाइव, राइट। फिर इसके बाद देखिए फाइव के सामने रखते हैं तो देखिए ना जीरो और माइनस माइनस प्लस टू और माइनस टू, तो आएगा ये माइनस टू और यहाँ पे साइन प्रॉपर्टी माइनस माइनस प्लस टू, राइट। फिर इसके बाद देखते हैं माइनस टू का हमको फैक्टर निकालते हैं, माइनस टू के सामने ऐसे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव और इसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस सिक्स, ये आ गया माइनस इलेवन, तो माइनस इलेवन, लेकिन यहाँ पे का साइन प्रॉपर्टी प्लस आया तो माइनस से रह जाएगा, ठीक है। जीरो के सामने रखते हैं ऐसे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फाइव और इसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे माइनस फोर, यानी वन आएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन, और वन के सामने रखते हैं तो आएगा कितना थ्री और इसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे माइनस वन का प्लस, यानी आएगा कितना फाइव, तो यहाँ पे फाइव ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया कोफैक्टर जो सामने दिख रहा है, कोफैक्टर को आप ट्रांसपोज करते हैं, जो कोफैक्टर आया उसको हम सी से इंडिकेट कर दिया और कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज करते हैं। देखिए कोफैक्टर को ट्रांसपोज करते हैं यानी रो को क्या कर देना है कॉलम में, रो है इस कॉलम में कर दिया, इस रो को कॉलम में कर दे रहे हैं, ये रो है इसको कॉलम में कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो रो को कॉलम में करेंगे वही आ जाएगा एडजॉइंट ए, रो को कॉलम में करेंगे वो आ जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। कोफैक्टर को पहले मैंने कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको पहले कोफैक्टर निकाला और कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दिया वही आ गया एडजॉइंट जो सामने दिख रहा है। तो एडजॉइंट निकालने का बेहतरीन तरीका जो सामने दिखा परफेक्ट रूप में, राइट। चलिए तो ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए। अब इसके बाद हम बताते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी है, तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया गया है और ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट हम निकालें या मैट्रिक्स को पहले एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करें, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, ठीक है। या फिर कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में कोई कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालें या पहले एडजॉइंट निकालेंगे और जो कॉन्स्टेंट नंबर है और एन जो है ऑर्डर मान लिया तीन और तीन कॉलम रहे तो कॉन्स्टेंट नंबर के पावर एक ऑर्डर कम यानी दो कर देना है और तब जाके मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्या आएगा सेम आ जाएगा, ठीक है। पहली बात, या थर्ड में देखिएगा दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालें या पहले बी का एडजॉइंट निकालें उसके बाद ए का एडजॉइंट निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई करें वैल्यू क्या आएगा सेम आ जाएगा, या फिर ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है, ये दोनों वैल्यू बराबर आएगा। या तो कोई यूनिट मैट्रिक्स में ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का वैल्यू बराबर आएगा, राइट। फिर इसके बाद देखिएगा कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें या डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल के जितना रो जितना कॉलम रहेगा उसका एक पावर कम करके मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बराबर आ जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट यूनिट मैट्रिक्स ही होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। और एक और बताते हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट क्या होता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा डायरेक्ट इसको हम ऐसे ही बोल दिया गया। चलिए तो अब आगे चलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स के रूप में जो सामने दिख रहा है। देखिएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्सिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स और इसको हम डिफाइन करते हैं एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए जिसमें डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा उसी का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। जिस मैट्रिक्स जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो आता है तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले हमको एडजॉइंट निकालना होगा उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना होगा दोनों को डिवाइड कर देंगे इनवर्स निकल जाएगा। तो पहले देखिएगा हम एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट निकालने से भी पहले हमको पहले कोफैक्टर निकालना होगा। देखिए कोफैक्टर निकालते हैं द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं ए। तो कोफैक्टर निकालने के लिए देखिएगा सबसे पहले वन को सामने यानी आ जाएगा एट एट और प्लस सिक्स माइनस सिक्स आ जाएगा यहाँ पे दो आ गया और यहाँ लिखेंगे दो।
फिर माइनस वन के सामने रखते हैं तो आएगा जीरो और प्लस माइनस प्लस नाइन, यानी नाइन आएगा तो यहाँ पे माइनस नाइन लिखा जाएगा, राइट। फिर दो के सामने रखते हैं तो आएगा जीरो और माइनस सिक्स, तो यहाँ पे माइनस सिक्स हो जाएगा लेकिन यहाँ पे माइनस सिक्स ही रह जाएगा क्योंकि साइन प्रॉपर्टी प्लस होता है। जीरो के सामने रखते हैं तो माइनस फोर और प्लस फोर यानी आएगा जीरो, यानी ये जीरो फॉर्म में आएगा। माइनस दो के सामने रख लिया तो आएगा फोर और माइनस सिक्स माइनस टू और ये आ गया माइनस टू, और इसके सामने रख लिया गया तो माइनस टू और माइनस माइनस प्लस थ्री, यहाँ पे आ वन तो यहाँ पे आ गया माइनस वन, राइट। फिर देखिए थ्री के सामने रखते हैं तो प्लस थ्री और माइनस फोर तो आ गया माइनस वन, यहाँ पे आ गया माइनस वन। माइनस दो के सामने रखते हैं तो आएगा इसको इसे तो माइनस थ्री और ये माइनस जीरो यानी आ गया माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस थ्री। और ये फोर के सामने रखते हैं तो आएगा दो माइनस जीरो यानी दो, यहाँ पे आएगा ऑनली टू। ये आ गया को फैक्टर जो सामने दिख रहा है, को फैक्टर को हम सी इंडिकेट करते हैं और को फैक्टर को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, वही एडज्वाइंट आ जाएगा। तो को फैक्टर को ट्रांसपोज हम यहाँ करके ले देते हैं, देखिएगा को फैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे यानी रो को क्या कर देना है कॉलम में, वही आएगा एडज्वाइंट। रो को कॉलम में कर दिया गया इस टाइप से, इसको हम बोल सकते हैं एडज्वाइंट मैट्रिक्स, राइट। एडज्वाइंट तो क्लियर हो गया, अब इसके बाद हम जो ए मैट्रिक्स उसका हम डिटरमिनेंट निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट दिखते हैं, डिटरमिनेंट्स क्या होता है तो वन के सामने अगर हम ढकते हैं एक्सप्लेन करते हैं तो इसको इससे एट और माइनस सिक्स आ जाएगा, फिर इसके सामने तो आ जाएगा कितना जीरो और माइनस माइनस प्लस नाइन आ जाएगा, और फिर इसके बाद दो के सामने ढक लेते हैं दो के सामने तो जीरो माइनस सिक्स, राइट। तो यहाँ पे अब जरा देखिएगा इसका डिटरमिनेंट्स का फॉर्म के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे टू हो जाएगा और प्लस नाइन हो जाएगा और माइनस बारह हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा कितना माइनस वन आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट तो माइनस वन आ गया जो जो जीरो के बराबर नहीं है। अब इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट ए वाई डिटरमिनेंट ए। एडज्वाइंट ए का जो फॉर्म है वो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए एडज्वाइंट यहाँ पे है टू है जीरो है माइनस वन है माइनस नाइन माइनस टू और थ्री माइनस सिक्स माइनस वन और टू, राइट। और ये है इस तरह से डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट माइनस वन है तो प्रत्येक में हम माइनस वन से डिवाइड कर सकते हैं जो आएगा मेरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो माइनस टू जीरो माइनस माइनस प्लस वन नाइन और यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस थ्री सिक्स वन और माइनस टू, तो ये मेरा रहा कंप्लीट आंसर, राइट। चलिए तो इसको नोट कर लिया जाए और ये कंप्लीट जो है इन्वर्स निकालने के लिए है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एग्जाम में इन्वर्स निकालने के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जरूर से जरूर इस तरह का टाइप का जो है क्वेश्चन बनाइएगा, और जो क्वेश्चन इस बार जो पूछा है वो हम देते हैं बोर्ड पे और उसको बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए हम दे रहे हैं क्वेश्चन, जो बोर्ड पर बनाइएगा अपना। नेक्स्ट चलिए देखिएगा, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो है इस बार 2022 में एक्यू यूनिवर्सिटी में 2022 में पूछा है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए इसका कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर निकालने के लिए जरा देखिएगा प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए जैसे इसको हम कोफैक्टर निकालेंगे तो आएगा फोर माइनस जीरो यानी फोर आ जाएगा, जीरो के सामने करेंगे तो जीरो माइनस जीरो ये जीरो आ जाएगा, इसका इस जीरो के बाद जीरो जीरो आ जाएगा, इसका भी हम कोफैक्टर निकालते हैं जीरो माइनस जीरो जीरो आएगा, और इसके सामने कोफैक्टर निकालते हैं कितना बचेगा यानी माइनस जीरो पॉइंट फाइव आएगा, इसका निकालते हैं जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा, इसका भी निकालते हैं जीरो माइनस जीरो सबका जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो, इसका निकालते हैं तो जीरो जीरो, वन के सामने निकालते हैं वन का कोफैक्टर तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखिएगा तो यहाँ पे इतना जीरो पॉइंट फाइव तो आएगा ट्वेंटी माइनस जीरो पॉइंट यानी माइनस टू पॉइंट जीरो, ठीक है। तो ये आया, अब इसके बाद इसका कोफैक्टर आ गया, कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज करते हैं,
कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट निकलेगा, तो सामने दिख रहा है। तो रो को कॉलम में किया, रो को कॉलम में किया, रो को कॉलम में किया, जो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद जरा है, ये तो एडजॉइंट निकल गया है, ये एडजॉइंट निकल गया। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, जो हम साइड में ही डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, ठीक है। देखिएगा, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसका यानी -0.5 4 -0 और बाकी सब का जीरो आएगा, तो आएगा -2.0, क्लियर। तो ये हो गया। अब इसके बाद जरा देखिएगा पहले इस फॉर्म में कि अब इसका तो डिटरमिनेंट आ गया, अब इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए वाई डिटरमिनेंट ए होता है। तो एडजॉइंट ए तो सामने दिख रहा है, तो 4 0 0 0 -0.5 0 0 0 -2.0 और डिटरमिनेंट आया है -2.0। चाहे इतना ही छोड़ सकते हैं या सभी का डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो सभी का, हालांकि इसको हम खाली -2 भी लिख सकते हैं और सभी का डिवाइड भी कर दीजिए या फिर नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से हम इनवर्स निकालने का पूरी प्रक्रिया हम बना सकते हैं, जो सामने दिख रहा है, राइट। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एग्जाम में। चलिए, तो और हम अब चलते हैं इसका प्रॉपर्टी की ओर, कि क्या है इनवर्स का प्रॉपर्टी, उसके बारे में। चलिए देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा गया है क्या, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है, यानी आई के बराबर आएगा, राइट। किसी मैट्रिक्स को डबल बार इनवर्स निकालेंगे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डबल बार इनवर्स निकालेंगे तो पुनः क्वेश्चन ही ए आ जाएगा। कोई मैट्रिक्स को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालेंगे या फिर इनवर्स निकाल के कॉन्स्टेंट नंबर को 1/k यानी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, दोनों को क्या आएगा, सेम आएगा। ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालें या पहले इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज करें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। और ए इंटू बी का इनवर्स या पहले बी का इनवर्स उसके बाद ए का इनवर्स, अब तक जाकर मल्टीप्लाई करें, दोनों को क्या आएगा, सेम आएगा। वैसे जनरल फॉर्म में भी क्या है कि ए बी सी जो लास्ट में है वो फर्स्ट का इनवर्स, फिर सेकेंड का, फिर इस तरह से जो है ना इनवर्स निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को क्या आएगा, सेम आएगा। और ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स निकालें तो बी ए के बराबर आ जाएगा। और इसमें क्या है, सेवन नंबर में कि ए का जो इनवर्स है वो उसका एडजॉइंट निकालें या फिर एडजॉइंट ए और तब जाके इनवर्स निकालें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। और ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालें या वन वाई डिटरमिनेंट निकालें या डिटरमिनेंट का इनवर्स, तीनों का वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इस तरह से इनवर्स का प्रॉपर्टी है जो सामने दिख रहा है और जो भी है एग्जाम के लिए बहुत ही परफेक्ट है। एक क्वेश्चन देते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा परफेक्ट रूप में, राइट। चलिए चलिए, तो ये है इनवर्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका सामने ऑप्शन दिया हुआ है। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा, राइट। चलिए ठीक है, और ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ताकि और भी क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। और सभी विद्यार्थी जो है जो भी थ्योरी दिया गया है उसको बेहतरीन तरीका से नोट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपके सिलेबस के, ये तो बेसिक था, और आपके सिलेबस में जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस है या फिर बीएससी का उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और विद्यार्थियों में जरूर शेयर करते रहिए ताकि उन विद्यार्थियों को भी पढ़ाई, संपूर्ण पढ़ाई हो सके, राइट। चलिए ठीक है।